इस्लामी तालीमात का प्रोग्राम हर इतवार असर त मगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम मुख्तलिफ केबल नेटवर्क के जरिए दिखाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं भिंडरावाला से इजाज़ बोल रहा हूँ जी। इजाज़ भाई कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत सब बैठे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं जी। तबीयत क्या हाल चाल है आगा साहब? तबीयत जी बिल्कुल खैरियत से है माशाल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बात कर लें उनसे? जी बात सुन रहे हैं आपकी। अच्छा जी जी जी, बात उनसे यही पूछना थी कि इस्लाम और ईमान जी जी, जब हम इनको इस्तलाह को इस्तेमाल करते हैं तो क्या मफहूम सामने आता है इसका जी? यानी ईमान और इस्लाम अगर इकट्ठा हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़, तो इसके क्या मीनिंग होंगे, यही पूछ रहे हैं ना? जी बिल्कुल जी। अगर ये अलग अलग हों तो, अगर ये सिर्फ एक लफ्ज़ इनमें इस्तेमाल किया है तो क्या ये दोनों एक माने देते हैं या इसका भी अलग अलग मफ़हूम कुरान और हदीस की रोशनी? हाँ ये बात आपने जाब साहब पूछी, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। अल्लाह ये दोनों लफ्ज़ जो है ना जी, ये अलग अलग बोले जाएं, ईमान कहा जाए इस्लाम कहा जाए, तो ईमान कहा जाए तो इस्लाम ही उसके अंदर ही होता है, इस्लाम कहा जाए तो ईमान भी होता है। मगर जब इकट्ठे आ जाए, जैसे फुकरा और मसाकीन है ना, अल्लाह ने ज़कात के मसाइल में कहा कि ना मसला कातिल फुकरा वल मसाकीन, वैसे फकीर ही मस्कीन है, मस्कीन ही फकीर है। मगर चूंकि दोनों इकट्ठे आ गए, अब फर्क करना पड़ा कि अल्लाह ने दो लफ्ज़ जो बोले तो फर्क करना। इसी तरह ये ईमान और इस्लाम है कि अल्लाह ताला कौम लूत के बारे में कहता कि हमने उनके घरों में सिर्फ एक घर मुसलमानों का पाया, हजरत लूत, उसी को मोमिनों का घर का ईमान इस्लाम है। मगर सूरह हुजरात में आ गया कि ये बदवी लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, आप इन्हें कह दें कि ईमान नहीं अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल हुआ, तुम सिर्फ ये कहो कि हम इस्लाम लाए। उस आयत करीमा से पता चला कि कभी ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो फिर अलग होना यह है कि इस्लाम दुनिया से ताल्लुक रखता है, ये जो जाहिरी कुछ चीजें करने का ऐलान करता है, शरीयत की मुखालफत नहीं करता, हम उसको कह देते हैं कि वो मुस्लिम है। मोमिन होने का फैसला नहीं कर सकती कि वो दिल से मानता, यानी इसलिए मुनाफिक भी मुस्लिम होता। हम उसके साथ बच्चियों के रिश्ते करते हैं, जनाजा उसका पढ़ते हैं, नबी को तो वही से पता चलता था, बाद में कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं जनाजा पढ़ूं। मगर मोमिन का ताल्लुक आखिरत से, वो अल्लाह दिल का फैसला करेगा कि दिल से भी ये बात मानता था। ये मुस्लिम जाहिरी इस्लाम को मानने वाला, मोमिन दिल से मानने वाला, वो आखिरत की अदालत में फैसला होगा, ये दुनिया की अदालत में होगा। ये है जब ये मुकाबले में आए कि मोमिन और मुस्लिम, जैसे कि रसूल करीम अलैहि सलाम भी बांट रहे थे माल, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा मुस्लिम में कि फला आदमी को भी हुजूर दें वो मोमिन है, आप नहीं और मुस्लिम, फिर कहा नहीं मोमिन ना कहो मुस्लिम कहो। तो जब ये होगी ना बात कि जाहरी और बातनी, फिर फर्क है, ईमान बातन से ताल्लुक रखता है, उसका फैसला सिर्फ अल्लाह कर सकता है। इस्लाम जाहिर है कि वो अगर कलमा पढ़ रहा है, हजूर की तौहीन नहीं कर रहा, हम मानेंगे कि वो मुस्लिम, अंदर से क्या है क्या नहीं। और अगर ये अलग अलग आएंगे तो फिर कोई बात नहीं, इन्नी मिनल मुस्लिमीन आ जाता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर वो मोमिन मुस्लिम एक ही होता। अगर ये इकट्ठे दोनों हों यानी इस्लाम और ईमान, तो फिर में मफ़हूम का थोड़ा फर्क होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक लफ्ज़ बोला जाए तो फिर दोनों एक ही मान में देंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि नबी और रसूल हम माना भी आ जाते हैं, मगर जब आ जाता है ना कि मारसलना मिन कबले का मिर रसूल वला नबी, हमने आपसे पहले ना कोई नबी भेजा और ना कोई रसूल, इससे पता चला कि कभी फिर नबी और रसूल में फर्क होता ईमान का कलब से है। लम्मा यदखुल ईमान कुलूबक, अल्लाह ने कहा ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल। खैर साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इजाज़ भैया। जी फतावा ऑनलाइन इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, पूरे मुल्क से टोल फ्री हमारा नंबर है 0800-111-777। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नईम बोल रहे हैं मौलाना, बैठे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे जी। अच्छा मौलाना, ये मैं किताब थी आपकी खुतबात साहब जी जी, तो वो पढ़ा उसमें ना, वो आपने वो लिखा कि 11 रकातें फर्ज हुई थी, 2 फजर की, 2 जोर की, 2 असर की, ये जब हिजरत मदीना से पहले, हिजरत से पहले जी,
जी जी तो बाद में ये आप भी ऐसे हैं या इसमें क्या इसका तरीकाकार ये फर्ज हुई बाद में या क्या हुआ इसका मामला? अब मेरे सामने नहीं, वो आपने सारा पढ़ा होता तो शायद आगे पूरी बात होती कि उमर मम्मी ने आयशा रज़ी ने फरमाया कि जब नमाज फर्ज हुई थी ना पहले मक्का मजमा में तो वो पांच नमाजों की 11 रकतें थी, 11 चार नमाजों की दो और मगरब की 3 11। और ये वो समझा रही थी उन लोगों को जो कहते हैं ना कि सफर में जब 11 पढ़ते हैं हम तो बाद लोग समझते हैं कि शायद सवाब कम ना हो जाए, तो वो फरमाती थी मसले को समझ लो, 11 जब तुम सफर में पढ़ते हो तो असल नमाज पढ़ते हो जो पहले फर्ज हुई थी, काम नहीं करते असल, और वतन में जब तुम 17 पढ़ते हो तो ये कहना चाहिए कि असल से जायद पढ़ते हो, घर से नहीं बनाई हजूर ने फर्ज की, मगर ये कह कि घर में बैठने वाले शुक्रिया अदा करते हो कि हमें घर का नसीब है बाल बच्चे बैठे हैं, वो दो दो रखते हैं जोर की असर की ईशा की जायद पढ़ते हैं, फजर की नमाज जो है नहीं बढ़ाई गई, इसको इस तरह पूरा किया गया कि कुरान ज्यादा पढ़ो 40 से लेकर 60 या 100 आयतों तक पढ़ो दोनों रक्तों में ताकि वो 4 रक्तों के बराबर हो जाए, मगरब को नहीं हराया गया वो 3 की 3 है ताकि जब मजमूआ बने तो 2 पर पूरा तकसीम ना हो ताक रहे, ताक 11 ताक थे अब 17 भी ताक है। हाँ ये बात समझाई थी मदीना जाकर दूसरे साल हजूर ने अल्लाह के हुक्म से फिर दो दो रखते हैं। कसर नमाज कितने फासले पे? हाँ कसर नमाज जो है वो समझ आ गई कि वो असल नमाज है, ये नहीं कहना कम हो गई, वो जो फर्ज हुई थी पहले वो है, वतन में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सवाल ये था कि कितनी फासले पर या कितनी मुसाफत पर हम नमाज कसर कर सकते? कोई मेरे भाई इसके लिए दीन में नहीं आया, ना कोई अल्लाह रसूल ने मील बयान की है, इसलिए कोई आदमी ये जब समझे ना कि आज मैं अपना काम छोड़कर दर दर से बाहर जा रहा हूँ तो मील थोड़े होंगे ज्यादा होंगे, खुले दिल से वो दो दो रखते हैं पढ़ता जाए तो अल्लाह के फजल से मेहनत थोड़ी सवाब बहुत, मील मूल गिनने की कोई जरूरत नहीं, बस रूटीन वर्क से अलग हो जाए, जो रोज काम करता ना अगर हजारों मील भी रोज करता जैसे ड्राइवर हैं वगैरह ये नहीं कर सकते, ये उनका रोजाना का काम है, अगर वो छोड़कर बस की ड्राइविंग उससे थोड़े फासले पर भी जाएंगे ना वो मुसाफिर, मुसाफिर है जब असल काम जो है ना रोज करता उससे अलग होकर किसी नई तरफ जाता है वो मुसाफिर, या मीलों की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ इब्ने उमर बहुत अच्छे अच्छे जो एक मील पर कसर करते हैं, वो कहते कहाँ लिखा कुरान में और हदीस में कितने मील होने चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन को चाहिए खुशियाँ करें, हजरत हुज़ैफ़ा जा रहे थे किसी जगह 4 मील का सारा कश्ती में सवार होने लगा, खाना रोज़ा रखा हुआ था उसी वक्त खाने लगे और कुछ लोगों ने ना खुला फरमाया, सब ना फरमाना, यह भी जमाना आना था कि सुनते रसूल से लोगों ने मुंह मोड़ लिया, हम मुसाफिर 4 मील जाना था बस, इसलिए भाई दिल खुला करें, जो अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं हमें क्या ज्यादा मुसीबतें उठाने की जरूरत है, काम थोड़ा करेंगे सवाब ज्यादा लेंगे, ये मील ही गिनते रहते। और इसी तरह साथ ही बयान कर दूं कि ये जो है ना कितने दिन वहां रहना, भाई कितने दिन रहने से मुसाफिर नहीं रहा वो, कि 4 दिन रहे तो मुसाफिर नहीं, ये 10 दिन रहे तो मुसाफिर नहीं, या तो घर दर वहां ले जाए, जब वो अर्जी ठहरा हो क्यों मुसाफिर नहीं, 10 दिन ठहरे 15 ठहरे 20 ठहरे कसर ही कसर। अच्छा 15 दिन की भी इसमें कोई ना ना ये समझ लें आपके ना सफर है मील ना वहाँ ठहरने की कोई मौत। मौलाना शायद वो इस्तेदलाल करते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से कि 3 दिन से ज्यादा मेहमान नवाजी फर्ज नहीं है या इस तरह की कोई बात? यही बात है, मेरे रिश्ते कहते हैं मारूं घुटना फूट गए यहाँ का क्या ताल्लुक है उसका, वो महाजर जो थे मक्का में रहे उनको आपने कहा कि नहीं महाजरों का काम नहीं दिल लगा कर बैठ जाए, इसका नमाज कसर से क्या ताल्लुक है, ना ये सामने था मसला ना इसके बारे में आपने फरमाया, बात किसी सिलसिला में आपने कही होती खेच कर और तरफ ले जाए, सफर के बारे में आपने कोई नहीं कहा कितने दिन ठहरोगे तो तुम मुसाफिर नहीं रहोगे, इसीलिए इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यिम इनको मैं कहता हूँ कि अल्लाह पर रहम करे, उन्होंने ज़ादुल माद में लिखा कि ना मुसाफिर दीन में आई कितने मील, ना देना है कि कितने दिन ठहरो ना ठहरो, जितने दिन जी चाहे ठहरो कसर ही कसर कसर ही कसर, अलहम्दुलिल्लाह हमारा तो मसला ही है जिसमें आसानियाँ दीन है तंगियाँ नहीं, बिल्कुल।